एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। प्रतिमा विसर्जन के साथ पूरे भक्तिमय वातावरण में हरितालिका तीज व्रत संपन्न हो गया। इस मौके पर महिलाओं ने शहर के विभिन्न तालाबों व जलाशयों में गौरा गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया। महिलाएं 16 श्रृंगार कर प्रातःकाल आरती के बाद गौरा गणेश की प्रतिमा को लेकर घाटों तक पहुंची, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर शहर के बाबा मनीराम अखाड़ा, धनेश्वर घाट, तालाब समेत विभिन्न तालाबों और पोखरों में गौरा गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। हम आपको बता दें कि सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए इस निर्जला पर्व को करती है। सारा दिन उपवास रखकर शाम को गौरा गणेश की पूजा अर्चना करती है और प्रातः प्रतिमा विसर्जन के बाद अन्न जल ग्रहण करती है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हाँ, ये और क्या कर रहे हैं? धनेश्वर घाट मंदिर के पास आए हैं विसर्जन करने के लिए। क्या किए? कल हम लोग तीज किए थे, आज विसर्जन करने के लिए आए। क्यों करती हैं तीज? पति की लंबी आयु के लिए। और क्या मांगती हैं भगवान से? सौभाग्य लेते रहें। क्या नाम है आपका? अनामिका। और क्या है? कल हम लोग तीज पूजा किए थे पति की लंबी आयु के लिए, आज हम लोग ये पूजा करने के बाद अगले दिन विसर्जन करते हैं, वही मूर्ति को विसर्जन करने आए हैं। और क्या कामना करते हैं? और अखंड सौभाग्यवती मिले, सुहागवती रहें, पति की लंबी आयु हो। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी।